सुश्री अवनीबा मोरे, जो गुजरात बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर के पद पे कार्यरत है, उनके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलेगा और उनका विषय है शिक्षण कौशल एवं अच्छे परीक्षा परिणाम। योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। आज का जो ये सत्र है, कालीन का सत्र, उसमें उपस्थित गुरुकुल के सभी आचार्यगण एवं वहीवटी कार्य से जुड़े हुए सभी सेवाधारी एवं कर्मचारी गण, सभी को मेरा सादर नमस्कार और अभिवादन है। पहले तो सभी को ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव, जो ऐसे महान संत को, जो भारत को विश्व गुरु पद पर ले जाने में, और जो पूज्य श्री का संकल्प है, और उसी संकल्प के हेतु से इतने सारे गुरुकुल है वो खोले गए हैं, वही संस्था में हमें सेवा मिली है। इसीलिए हम सभी भाग्यशाली है कि तो ब्रह्मज्ञानी संत की निष्ठा में हमें सेवा मिली है। आज का जो मेरा विषय है वो है शिक्षा कौशल्य एवं अच्छे परीक्षा परिणाम। शिक्षा कौशल्य अर्थात दूसरे शब्दों में उसे बोला जाए तो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का एक कौशल्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ा देना, बल्कि जिससे जिसे हम पढ़ा रहे हैं। दीदी, माइक आपका फिर म्यूट हो गया है। हरिओम। किसी का वीडियो ऑन है, शायद जयपुर गुरुकुल के किसी स्टाफ का वीडियो ऑन है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप अपना वीडियो ऑफ रखें। तो परीक्षा के अच्छे परिणाम लाने के लिए एक तो हर एक स्टेट की सरकार भी ये इच्छा रखती है कि स्कूलों के परिणाम अच्छे आए। साथ ही साथ हमें अगर बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी चाहिए, हर कोई हमारे गुरुकुल का लाभ ले, इसीलिए हमें भी हमारे परीक्षा के परिणाम अच्छे आए इसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। परीक्षा का परिणाम अच्छे लाने की जो प्रक्रिया है वो पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जब परीक्षा आए और हम अच्छे परिणाम के लिए प्रयास शुरू कर दें, पर ये ऐसी एक प्रक्रिया है जो पूरा साल चलती है। इसके लिए हमें क्या क्या आयोजन करने चाहिए वो आप सब वैसे बहुत अच्छे कार्य करते हैं, ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं, पर फिर भी मैं जहाँ तक जानती हूँ और मेरे अनुभव से मैं बोल रही हूँ ऐसे, कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, तो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया ही ऐसी होनी चाहिए कि जो परिणाम लक्षी है। परिणाम लक्षी यानी कि सिर्फ मार्कशीट में अच्छे अंक प्राप्त करे वही परिणाम नहीं है, किंतु जो हमारी संस्था में बच्चा आया है वो अपने हर एक विषय में ऐसी पारंगतता प्राप्त करे जो आगे चल के वो उन्हीं सब्जेक्ट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या तो उनकी जो इच्छा है उनमें बच्चों को जिसमें रुचि है वो सब्जेक्ट में वो पीछे ना रहे, ऐसा कार्य करना वो परिणाम लक्षी कार्य है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे कि एक वर्ग खंड में एक घटित घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है, कि एक वर्ग खंड में पूरे क्लास बहुत ही शरारत कर रहा था। तब एक प्रिंसिपाल ने सोचा कि सभी बच्चे शरारत कर रहे हैं, कोई एक बच्चा नहीं कर रहा है, तो मुझे सभी बच्चों को शिक्षा देनी है, तो मैं क्या शिक्षा दूं। तो प्रिंसिपाल ने फ्रिक्वेंटली बार बार वो क्लासरूम की मुलाकात लेती रहती थी, तो उन्हें पता था कि बच्चे में क्या क्या कौशल्य है। उस कौशल्य के हिसाब से उन्होंने हर एक बच्चे को शिक्षा दी। उनमें से एक बच्चा ऐसा था कि जिसकी पेंसिल पकड़ने की स्टाइल बिल्कुल अलग थी,
तो प्रिंसिपल वो निरीक्षण करती थी बार बार उस बच्चे का, कभी कभी क्लासरूम में जाया करती थी, तो उसे पता था कि इसकी पेंसिल पकड़ने की रीत अलग है, यानी कि एक कोई बड़ा चित्रकार बने ऐसी उसमें संभावनाएं है। और एक बच्चा ऐसा था जो बिल्कुल शांत था, वो जो शोर बकोर कर रहे थे वो बच्चों के साथ में वो नहीं था, फिर भी वो शांत था, पर उसकी एक आदत थी कि जो चौक शिक्षक फेंक देते थे उस चौक को वो उठा के उसमें डिजाइन दौड़ता था, डिजाइन ड्रॉ करता था चौक के अंदर। तो वो भी प्रिंसिपल का ध्यान था कि जो शिक्षक चौक फेंकते हैं, देखो प्रिंसिपल की कुना कितनी बड़ी है कि स्कूल पूरी होने के बाद में भी वो चक्कर लगाते थे पूरे स्कूल में, वर्गखंड में। भावनगर की कुमार शाला का ये उदाहरण, तो वो प्रिंसिपल ने वो चौक उठाती थी, उसे पता था कि कोई लड़का इसमें ड्रॉ कर रहा है। तो जब इसको शिक्षा देने की बात आई, तब ये बहन ने जो बच्चे की पेंसिल पकड़ने की स्टाइल अलग थी, उसको एक महाराजा साहिब थे भावनगर के, उनका चित्र था श्री कृष्ण कुमार सिंह जी का, वो चित्र उसके सामने फेंका और बोला कि आज तेरी ये सजा है कि तुझे ये महाराजा साहिब का फोटो जो है वो तुझे ड्रॉ करना, चाहे तुझे आए या ना आए, तुझे मुझे तुझे इसको ड्रॉ करके मुझे दिखाना। तो उसको एक रूम में बंद कर दिया गया, पेंसिल दे दी, उसको वो सजा दे दी। जो बच्चा रोज वो कर रहा था चौक में डिजाइन ड्रॉ कर रहा था, उसको एक लकड़ी का टुकड़ा लाके दे दिया और छीनी वगैरह कुछ दे दिया कि तुझे इससे जैसे तू चौक में डिजाइन ड्रॉ कर रहा है ऐसे तुझे इतने लकड़ी के टुकड़े में डिजाइन ड्रॉ करना। ऐसे दो उदाहरण मैंने दिए, पर हर एक बच्चों को उसके हिसाब से उन्होंने शिक्षा दी। जिसको योग अच्छा आता था उसको उसके हिसाब से, जिसको खेल कूद में रस था उसको उसके हिसाब से शिक्षा दी, जिसको पढ़ाई में रस था उसको उसके हिसाब से शिक्षा दी। तो इसका परिणाम सालों बाद ये आया कि आज वो दो लड़के हैं, उसमें से एक भावनगर का बहुत बड़ा चित्रकार है, सोमपुरा है, सोमपुरा है उसके सर ने, बहुत ही बड़ा चित्रकार है वो। और एक जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा शिल्पकार बना, कुदरत को शायद मंजूर नहीं था इसीलिए वो बच्चे ने छोटी ही उम्र में अपना शरीर छोड़ दिया था। पर ऐसे दो बच्चे प्रिंसिपल ने ही इस बच्चों को परखा, जाना, और उनको उस दिशा में वो लगे ले गए, अर्थात ये हुआ परिणाम लक्षी कार्य। तो परिणाम लक्षी कार्य हमारे मगज में ऐसा फिट है कि हमारी मार्कशीट में ही अच्छे अंक आना चाहिए। हाँ, एक रूप से मैं वो भी बताऊंगी कि मार्कशीट में अच्छे अंक लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी मैं बात करूंगी। पर जो मैं मूल रूप से जो बात है उस विषय में जा रही हूँ कि बच्चे में जो योग्यताएं है, बच्चे की जिस दिशा में रुचि है, बच्चे जिस विषय में निष्णांत बनने की आकांक्षा रखते हैं, उनके मन में वो विषय है, दबा हुआ है, उसे हमें उजागर करना है, वो हुआ परिणाम लक्षी कार्य। और ऐसे परिणाम लक्षी कार्य अगर कोई मजबूती से कर सकता है तो वो है वर्गखंड शिक्षा। पहली उनकी है फर्ज कि वो ही कर सकता है। पर अगर वर्गखंड शिक्षक को हमें उस दिशा में ले जाना है, ऐसी कुने हमें देनी है, तो ये जिम्मेदारी होती है आचार्य की, यानी कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वर्गखंड के अध्ययन अध्यापन कार्य को देखेंगे, उनको सराहेंगे, उनको निखारेंगे, उनकी जो कमियां है वो बताएंगे। कल ही अहमदाबाद गुरुकुल में हमने और लोकेंद्र भाई ने और अतुल भाई ने बैठ के एक पूरा फॉर्म बनाया है, उसका नाम रखा गया है वर्गखंड मूल्यांकन पत्र, वर्ग मूल्यांकन पत्र इंग्लिश में उसे बोला जाता है, क्लासरूम टीचिंग एवेल्यूएशन CTE। तो वो वर्गखंड मूल्यांकन पत्रक जिसमें ऐसे ऐसे पहलू अतुल भाई लेके ही आए हैं, चलो मेरे पास तैयारी का समय नहीं था, नहीं तो मैं टाइप करके आपको ये पत्रक बता देती। हमारे गुरुकुल का, अहमदाबाद गुरुकुल का जो स्टाफ है उसको मैं विनती करती हूँ कि आप ये पत्रक टाइप करके सभी गुरुकुलों को मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो
उसमें शिक्षक की पहले विगत आएगी, ऊपर नाम ए वो वगैरह, वर्गखंड, विषय, डेट, टाइम वगैरह। फिर पाठ का प्रारंभ टीचर कैसे करते हैं, आप सबने बीएड किया है आपको पता है, जैसे हमारे अध्यापक हमारा मूल्यांकन करते थे वैसे ही प्रिंसिपाल को या तो वाइस प्रिंसिपाल को सप्ताह में मिनिमम 4 या तो 6 पाठ का या तो पीरियड का या तो लेक्चर का मूल्यांकन इवेल्युएशन करना है। उसमें ऐसे ऐसे बिंदु आ सकते हैं कि पाठ का प्रारंभ कैसे किया है, वो कंटेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है, वो रिप्रेजेंटेशंस के लिए उन्होंने कौन कौन से संसाधन का उपयोग किया हुआ है, संसाधन की गुणवत्ता कैसी है, क्या टीचर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, टीचर ने जो गृह कार्य दिया है वो गृह कार्य कैसा है, सिर्फ लिखाई पढ़ाई का है कि उसकी क्रिएटिविटी एनहांस हो ऐसा कोई गृह कार्य दिया है, या तो HOT हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस उसे दिए गए हैं, वर्ग का नियंत्रण शिक्षक का कैसा था, बराबर प्रेमपूर्ण अनुशासन था कि नहीं था, कैसा उनका वर्ग नियंत्रण है, बोर्ड वर्क उसका कैसा था, उनका भाषा कौशल्य कैसा था, ऐसे बिंदु सारे लिखे गए हैं, उनके सामने उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ ऐसे त्रिबिंदु से हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर नीचे हकारात्मक बिंदु या नकारात्मक बिंदु, यानी कि टीचर्स के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो लिखे जाएंगे, इस तरफ नेगेटिव पॉइंट्स है वो खुल के लिखना है ताकि उनको पता चले। फिर अपना सुझाव, मूल्यांकनकार का अपना सुझाव, यानी कि प्रिंसिपाल का अपना सुझाव उसमें रहेगा नीचे कि आप क्या कहना चाहते हैं आज के उनके वर्ग के लिए। ऐसे समग्र पाठ का नीचे मूल्यांकन उत्तम, मध्यम या तो कनिष्ठ हम रख सकते हैं। ऐसे मूल्यांकन पत्रक से क्या होगा कि टीचर्स की भी एबिलिटी हम इसको एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी ये ज्ञात रहेगा और वो भी सतर्क रहेगी कि हमारा कभी भी इवेल्युएशन हो सकता है, तो प्रिंसिपल कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल कर सकते हैं, अगर गुरुकुल की संस्थाओं के साथ ट्रस्टीगण जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं बार बार, तो उनको भी कभी कभी मूल्यांकन पत्रक दे दिया जाए कि चलो आज आप ए वर्ग का मूल्यांकन करो, और टीचर्स को भी जब सत्र शुरू हो तब ये मूल्यांकन पत्रक के बारे में परिचय देना चाहिए कि इस साल हम आपका इस प्रकार से मूल्यांकन करने वाले। तो ये हुआ अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा कौशल्य बढ़ाने के लिए आचार्य की ओर से, ट्रस्टी गण की ओर से, या तो कोई कभी कोई ऐसे शिक्षाविद आ गए हमारे संपर्क में, या तो कोई ऐसे तज्ञ आ गए, कोई मेहमान ऐसे आ गए जो शिक्षा में प्रावीण्य रखते हो, उसको भी हम पत्रक दे सकते हैं कि आज हमारी संस्था में आप पधारे हैं, हमारी विनती है कि आप सिर्फ 15 मिनट के लिए हमारा कोई वर्ग का आप इवेल्युएशन कीजिए। तो उनको पत्रक दे दिया गया, उन्होंने इवेल्युएशन किया, तो इससे क्या होता है कि शिक्षक भी सतर्क रहते हैं और एक थीम बनती है टीचिंग, अगर वो थीम से पढ़ाए बराबर तो वो विषय में निखार आएगा। एक एक जैसे कि बोर्ड वर्क एक जैसा हो, प्रारंभ एक जैसा हो, विषय भले अलग अलग हो पर प्रारंभ करना जरूरी है, क्योंकि पाठ के प्रारंभ में अगर बच्चों को हम उत्साह से नहीं जोड़ेंगे तो पूरे पाठ उनका बोरिंग हो जाएगा, पूरा वर्ग उनका बोरिंग हो जाएगा। तो ये सब कौशल्य है हमारे, तो ऐसे कौशल्यों का मेजरमेंट भी होना आवश्यक है। और आज मुझे ये पता है कि इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठा हुआ है, इसीलिए मैंने कौशल्य के बारे में बात न करते हुए उनका मेजरमेंट कैसे किया जाए उसकी मैंने बात की। उसके साथ ही साथ में टीचर्स को हर मासिक मीटिंग में उनकी प्रिंसिपाल को, ट्रस्टियों को या तो गुरुकुल के संचालकों को उनकी चर्चा करनी है उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। उनके हिसाब से रिपोर्ट के आधार से हम ट्रेनिंग आयोजित कर सकते हैं कि वे रिपोर्ट में हमें देखा गया कि प्रायः हमारे शिक्षक गृह कार्य सिर्फ चिल्ला चालू दे रहे हैं, कोई क्रियात्मक ढंग से गृह कार्य हम नहीं दे रहे, तो इसकी भी ट्रेनिंग हम रख सकते हैं कि गृह कार्य कैसा दिया जाए। हमारे शिक्षक, कोई एक शिक्षक भाषा का विषय वस्तु प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा के ही कविता सुना रहे हैं, या तो हाथ में बुक रख के कविता का सिर्फ विवरण किया है, कविता गा के नहीं सुनाई है, बराबर,
उसको भी हम जो पॉइंट लिखा है, प्रिंसिपल ने मूल्यांकन किया है, उस आधार पर उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं उस भाषा शिक्षक को कि आपकी ये कमी सुधारने के लिए सामूहिक ट्रेनिंग भी रख सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, हाँ, एक है कि हम आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, पर दूसरी तरफ ये भी बात है कि बच्चों को पढ़ाने में हमें कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। भाषा की कोई कविता हो या कोई पाठ हो, एक शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक है ना, वो सिर्फ एडवाइजर ना होके वो कभी नाटक की जरूरत पड़े तो वो खुद एक पात्री अभिनय करना चाहिए। अगर उसको जरूरत पड़े कविता ललकारने के लिए तो उसे गायन भी आना चाहिए। शिक्षक बच्चों के साथ बच्चे बन जाना चाहिए, तभी बच्चे सीखेंगे। तो इस प्रकार का जब वर्गखंड होगा, तरोताजा वर्गखंड होगा, तभी बच्चे में जो हम सिखाएंगे वो उतरेगा। आज ही सुबह में दर्शना बेन से बात हुई, उन्होंने एक मुझे बहुत अच्छी बात की कि जो हम पढ़ाते हैं वो ना ही सिर्फ पढ़ाई रहे पर हमारे जमीर में वो अंदर उतर के वास्तविक रूप से शिक्षा का स्वरूप ले। उनका कहने का तात्पर्य मैं समझ गई कि जो हम शिक्षा दे रहे, गुरुकुलों का तो काम ही यही है कि ना सिर्फ हम एक पुस्तकीय ज्ञान दे बच्चों को, पर उनमें जो आंतरिक कौशल है उसको सुविकसित करने के लिए हम पूरा आयोजन पूरे साल का तैयार करें। इसीलिए जो संचालक है, जो प्रिंसिपल है, वो 6 महीना का आयोजन करो, आप पूरे साल का ना करो। मैं तो ये बोलती हूँ कि सिर्फ 3 ही महीने का आयोजन करो। ये 3 महीने में हम जैसे ही हमारा सत्र शुरू होगा जून से, तो सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाए और सभी टीचर्स को 3 महीने का पूरा उनका ड्राफ्टिंग, पूरा प्लानिंग 3 महीने का उनको दे देना। जैसे कि मैं गुजराती विषय की, गुजराती भाषा की, गुजरात में गुजराती भाषा प्रथम भाषा है, तो मैं गुजराती विषय की जैसे कि शिक्षिका हूँ अगर, तो मुझे 3 महीने का वो प्लानिंग दिया जाए कि मैं पहले 3 महीने में, पहले हफ्ते में मैं कितना काम करूंगी, दूसरे हफ्ते में क्या करूंगी, तीसरे हफ्ते में क्या करूंगी, बराबर। और उस विषय को प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे कब स्मार्ट क्लास का उपयोग करना है ताकि प्रिंसिपल को अन्य विषय शिक्षकों के स्मार्ट क्लास का आयोजन करने में सरलता रहे, तो मुझे कौन सी कविता सिखाने में स्मार्ट क्लास की जरूरत पड़ेगी, मुझे कौन से पाठ सिखाने में नाट्य प्रवृत्ति की जरूरत पड़ेगी, तब मुझे स्टेज की जरूरत पड़ेगी, बराबर। मुझे कौन से विषय को प्रेजेंट करने के लिए TLM चाहिए, पर वो TLM गुरुकुल में नहीं है, पर बाहर से मंगवाने के, तो मैं आगे से प्रिंसिपल को लिख के दूंगी, भले ही वो 3 महीने के बाद मुझे पाठ लेना है, पर मैं आगे से लिख के उनको दूंगी कि मुझे 3 महीने के अंत में ये पाठ लेना है और वो TLM हमारे गुरुकुल में नहीं है, कृपया आप मुझे इसकी व्यवस्था कर दीजिए। तो शिक्षक के माइंड में 3 महीने का पूरा आयोजन होना चाहिए कि मैं कौन सा चैप्टर किस तरीके से बच्चों के सामने रखूंगी, हर एक पीरियड में कौन सा गृह कार्य मैं दूंगी। हायर ऑर्डर थिंकिंग का हमेशा होमवर्क होना चाहिए, ना कि सिर्फ लिखाई पढ़ाई का, नोटबुक में दे दिया लिख के आ गए, ऐसे नहीं। हायर ऑर्डर थिंकिंग का गृह कार्य हर एक शिक्षक को बनाना सिखाना चाहिए। तो ऐसे अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को बलवत्तर बनाने के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या तो संचालक को अपनी मैनेजमेंट में ये कार्य प्रणाली को जोड़ना पड़ेगा कि टीचर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, पहली ये बात हुई। दूसरी बात, वो प्लानिंग के अनुसार कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए मॉनिटरिंग, बराबर। और थर्ड स्टेप हुआ कि जो कार्य नहीं हुआ उसके लिए हम उनको सत्र के अंत में ट्रेनिंग देके उन कौशल्यों में जो कमी है वो उनकी एम्पावर हो, इसके लिए हम प्रयास करें। तो ये सारी बातें हुई अध्ययन अध्यापन कौशल्य की, और या तो शिक्षा कौशल्य उसे बोलते हैं, उनको एनहांस में करने में, उनको बलवत्तर बनाने में एक प्रिंसिपल की, एक संचालक की क्या भूमिका रहेगी। और दूसरी बात हुई कि परीक्षा, अच्छे परीक्षा कौशल्य और अच्छे परीक्षा परिणाम लाने के लिए हम क्या कर सकते। तो आप करते ही होंगे कि साप्ताहिक टेस्ट लेना है, बराबर। यहाँ जैसे कि हर शनिवार को 2 घंटे की टेस्ट का आयोजन रखा गया है, हर शनिवार 2 विषय की टेस्ट लेंगे। गुजरात सरकार ने भी
हमारे गुजरात में पूरे शनिवार में टेस्ट चलती है गवर्नमेंट स्कूलों में। हर शनिवार सारी गुजरात गवर्नमेंट की स्कूलों में एक साथ टेस्ट रहती है, और उनका जो डेटा है, मार्किंग है, वो विद्या समीक्षा केंद्र करके एक समीक्षा केंद्र बनाया गया है। उसमें हर एक शिक्षक, ना ही प्रिंसिपल, हर एक शिक्षक अपने विषय के मार्क्स दूसरे दिन बच्चों के पेपर चेक करके वो मार्क्स स्कैनिंग करेंगे। मोबाइल की एप्लीकेशन दी गई है उनको, तो वो एप्लीकेशन हर शिक्षक डाउनलोड करेगा। उस एप्लीकेशन के जरिए उनको एक मार्कशीट आगे दी गई है। जैसे कि इस शनिवार की टेस्ट है, तो उस संडे को वह पेपर देख लेगा, सोमवार को उसे मार्क अपलोड करने हैं। तो मार्कशीट, उनको प्रिंटेड मार्कशीट दी गई है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स, सेकंड में कितने मार्क्स, थर्ड में कितने मार्क्स, फोर्थ में कितने मार्क्स, ऐसे 20 मार्क, 20 मार्क की टेस्ट हर हफ्ते गुजरात में ली जाती है। और मार्कशीट का स्कैनिंग करते हैं टीचर्स, उनको एप्लीकेशंस पर अपलोड करते हैं, और विद्या समीक्षा केंद्र पर हम पूरे गुजरात में डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज इसका एवेल्यूशन बड़े से स्क्रीन बोर्ड पर दिखता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट पर, कोई भी तहसील पर, कोई भी सीआरसी सेंटर पर आप क्लिक करो, कोई भी स्कूल पर आप क्लिक करो, तो उसके बच्चों का ग्राफ आ जाएगा कि इस स्कूल के, एक्स स्कूल के गुजराती के विषय में विद्यार्थियों का ग्राफ कैसा है। इसके कोई एक व्यक्ति का ग्राफ ले लो तो वो भी मिल जाएगा कि पूरे महीने में इस विद्यार्थी का चार जो टेस्ट आई, या तो पूरे साल में उसकी जितनी भी टेस्ट आए, उसका मैथमेटिक्स का रिजल्ट का ग्राफ कैसा है, तो वो भी वो एप्लीकेशन के जरिए मिल जाता है। ऐसा अच्छा प्रयास है यहाँ पर गुजरात की गवर्नमेंट में। तो हम ऐसा इवोल्यूशन भले ही ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ना करें, पर हम अपनी स्कूल का जो छोटा सा क्षेत्र है उसमें ऐसा इवोल्यूशन का प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने हर शनिवार को, शनिवार आखिरी दिन है इसीलिए ये चयन करना अच्छा रहता है, अनुकूल रहता है। तो शनिवार को हमने जो टेस्ट ले ली, ऐसे महीने में हमने 4 टेस्ट ले ली, 3 महीने में हमें 12 टेस्ट ले ली, है? तो 12 टेस्ट में बच्चों के कितने मार्क्स हैं वो हर एक विषय के शिक्षक उनको लिखेंगे, और जो लिखेंगे उनके हिसाब से क्लास टीचर को वो दे देंगे। क्लास टीचर उनका पूरा ग्राफ के सहित हर एक बच्चे का विषय का चार्ट भी बना सकता है कि भी मेरे क्लासरूम में मेरे बच्चों का ये ग्राफ है, इतने बच्चे क्या है। जैसे कि सोहन, सोहम नाम का एक लड़का है, उसकी जो 6 महीने की मैथमेटिक्स की टेस्ट है, तो उनका भी ग्राफ बन जाता है कि पहले टेस्ट में कितने मार्क, दूसरी में कितने मार्क, तीसरी में कितने मार्क, चौथी में कितने मार्क, तुरंत ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। इसमें समय नहीं लगता है, हर एक बच्चे का ग्राफ भी बना सकते हैं, या तो खुद नंबर इसे द्वारा भी इवोल्यूशंस डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं कि इसकी बढ़ोतरी हुई है कि मार्क में घटाई हुई है कि क्या हुआ है। तो जो इवोल्यूशन डिस्क्रिप्टिव हो, या ग्राफ से लिया गया हो, या तो नंबरिंग से लिखा गया हो, जो भी हो, रिपोर्ट के कई प्रकार हो सकते हैं, वो कोई भी प्रकार के आधार पर आप उनके माता पिता को, वर्ग शिक्षक बात कर सकते हैं। जैसे कि महीने में 30 दिन है और मेरे पास 30 बच्चे हैं, तो मैं हर रोज एक माता पिता से बात करूंगी और उनको ये पूरा उनके बच्चे का विवरण बताऊंगी कि आपके बच्चे की स्थिति अभी ऐसी है। तो शिक्षक और माता पिता का भी इंट्रैक्शन रहे, वर्ग शिक्षक और माता पिता का, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों का इंडिविजुअल रिपोर्ट वो तैयार करें मार्क्स का, टेस्ट का, उनके साथ साथ उनकी वैयक्तिक निजी जो बाबतें हैं, उनका स्वभाव कैसा है बच्चे का, वो हम जो आध्यात्मिक ज्ञान उनको गुरुकुल में दे रहे हैं उनके प्रति उनका वलन कैसा है, उसका भी एक अलग से रिपोर्ट बनना चाहिए, और एक जो शैक्षिक रिपोर्ट है वो भी अलग से बनना चाहिए। तो वो 2 रिपोर्ट के बारे में हम माता पिता से बात कर सकते हैं, और वही रिपोर्ट वो प्रिंसिपल को सबमिट कर सकता है, वही रिपोर्ट की एक कॉपी खुद रखे, और वही रिपोर्ट की एक कॉपी माता पिता को भी हर महीने मिले। ऐसा अगर हो तो बच्चे भी सतर्क रहते हैं कि मुझे मेरे इस महीने के आध्यात्मिक रिपोर्ट में 5 स्टार लेने हैं। उनकी स्टार भी रख दो कि
पूरे महीने में उन्होंने टाइम टू टाइम संध्या में हाजिरी दिखाई है या तो त्राटक किया है, बराबर। तो रोज उनका एक टिक मार्क मिल जाएगी, ऐसे पूरे महीने में फुल टिक मार्क हो 30 तो उन्हें 5 स्टार मिलेंगे, थोड़े कम हो तो 4 स्टार मिलेंगे, आधे हो तो 2 स्टार मिलेंगे, बहुत कम हो तो 1 स्टार मिलेगा। तो बच्चे भी ऐसे प्रवृत्त रहेगी कि मुझे 5 स्टार लेना है, बराबर। आप ऐसे स्टिकर भी रख सकते हैं कि रिपोर्ट में बच्चे को वो स्टिकर चिपका दिया उसके रिपोर्ट में, तो बच्चे को अच्छा आएगा। एक स्टार अलग अलग मिलते हैं ऐसे बाजार में रंग बिरंगी। तो जिस प्रगति में, जिस प्रवृत्ति में बच्चा नियमित है तो उसे वो रंग का स्टार वो प्रवृत्ति के नाम के सामने लगा दो, बराबर। तो ऐसा मूल्यांकन पत्रक जो हम आध्यात्मिक संस्कार दे रहे हैं गुरुकुलों में, तो हर एक संस्कार वाला एक आध्यात्मिक पत्रक भी हम बनाए, होगा ही शायद मेरे ध्यान में भी यहाँ पर भी आया है। तो ऐसे हमारा शैक्षिक मूल्यांकन का भी पत्रक बने। तो ये दो पत्रक, एक कॉपी वर्ग शिक्षक अपने पास रखेंगे, एक माता पिता को सॉफ्ट कॉपी में भिजवाएंगे मोबाइल से, और एक जो है वो प्रिंसिपल को देके, प्रिंसिपल भी इसका बैठ के इवेल्यूशन अच्छी तरह से करे, ताकि जिस विषय में बच्चे कमजोर है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, टेस्ट का रजिस्टर यानी कि मैंने जो बताया वो पत्रक, और पत्रक के साथ रजिस्टर भी निभाए। साथ साथ में वार्षिक परीक्षा के परिणाम बढ़ाने के लिए हमें बच्चों को जो हम क्वेश्चंस पेपर दे रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान रखना चाहिए, कौन सा बच्चा किसमें कमजोर है, उसके लिए अलग से भी आप ट्यूशन रख सकते हैं गुरुकुल में, और उनको अलग से मार्गदर्शन दिया जाए ताकि हमारा रिजल्ट है वो है बेहतर बन सकता है। पर मेरा मानना तो ये है कि जो गुरुकुल बनाए गए हो ना ही केवल मार्कशीट में अच्छे मार्क्स दिखाने के लिए, मार्क्स तो जरूरी अच्छे लाना है, पर साथ साथ में वो व्यक्तिगत रूप से भी वो बच्चा आगे चल के ऐसा बने कि उसकी उसके मन में भी ऐसा भाव पैदा हो कि देखो मैंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है तो आज मैं इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता हूँ या तो कर सकती हूँ, बराबर। तो इस प्रकार से उसका आत्मबल बढ़े, उनकी आत्मशक्ति बढ़े, निर्भयता बढ़े, अनुशासन, खुद पे अनुशासन बढ़े, बराबर। और मेहनतू बने, उद्योगी बने, दूसरे के लिए बापूजी बोलते हैं ऐसे सहयोगी बने, उपयोगी बने, ऐसे हमको उनको वर्गखंड में ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं होता है, मैं और आप, बापूजी सत्संग करे वो अलग बात है, वो ब्रह्मज्ञानी संत है, पर मैं और आप अलग अगर बच्चों को बार बार उपदेश वर्गखंड में सुनाया करेंगे, वर्ग शिक्षक है तो उसको गले नहीं उतरता है। पर जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, उनको सुनाना चाहते, जो सुनाते हैं और जो सिखाते हैं वो प्रैक्टिकल रूप से उसकी एक परीक्षा में वो रखे ताकि वो उसमें से पार उतरे, ऐसे नए नए आइडियाज हमें उनमें दाखिल करने पड़ेंगे, और ऐसी प्रवृत्तियां हमें सोचनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे आप स्टाफ रूम में कभी कभी 2 महीने में एक बार चिंतन बैठक का आयोजन करो कि हम क्या कर सकते हैं अच्छे परिणाम के लिए, या तो हर एक बच्चा वैयक्तिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उसका कौशल्य खिले, मानसिक बल उनका विकसित हो, बुद्धि बल विकसित हो, और एक व्यक्तिगत रूप से बलवत्तर व्यक्ति बने, अच्छा नागरिक बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर। तो अच्छी शिक्षा देने के लिए कई आयोजन होते हैं, कई प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, पर एक बात जरूर है कि जो भी संचालक है, जो भी प्रिंसिपल है, वो मूर्तिमंत स्वरूप में प्रिंसिपल बने, बराबर। वो वास्तविक रूप में एक पूरी संस्था का संचालन करे, अपने हृदय से ही वो ऐसा स्वरूप धारण करे कि वो ना ही सिर्फ एडवाइजर है पर वो रोल मॉडल है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वो रोल मॉडल है। इसके लिए पूरी गंभीरता के साथ हर एक बच्चे का निरीक्षण करो। आप चाली में खड़े हो तो सामूहिक बच्चे जो खेल रहे हो तो हर एक बच्चे का निरीक्षण करो, उसकी खेल की स्टाइल का निरीक्षण करो, उसके बैठने का निरीक्षण करो, उसके चलने का निरीक्षण करो, उसकी बात करने की स्टाइल का निरीक्षण करो, हर एक उनके
जो है ना, बैठना, उठना, बोलना, बात करना, उनसे उनकी व्यक्तित्व का हमें पता चलता है। उनका एवेल्यूशन प्रिंसिपल के, वाइस प्रिंसिपल के, शिक्षक के मन में होना चाहिए, और उस अनुसार कभी कभी अपने डायरी में नोटिंग भी करो कि उसको मैं चिंतन भी करो। रात के सोते समय भी कभी कभी ये होना चाहिए। मैं जब शिक्षक और प्रिंसिपल थी ना, तो मुझे कभी कभी रात में से नींद उड़ जाए ना, तो किसी बालक के और किसी विद्यार्थी के विषय में चिंतन होता था कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं किस दिशा में ले जाऊं ताकि वो आगे बढ़ सके। मेरे वर्गखंड में एक बच्चा था ना, वो मैं जब टीचर थी केमिस्ट्री की, तो एक लड़का आया और बोला कि मैं केमिस्ट्री में, सॉरी, टेंथ में मैथमेटिक्स में 3 बार फेल हुआ। तो मैंने तो पहली बार उसकी वो मार्कशीट है ना, उसके सामने रख दी। मैंने बोला नहीं, एडमिशन नहीं मिल सकता आपको, एडमिशन नहीं मिल सकता, आप 3 बार मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं, मैं आपको साइंस में कैसे पढ़ाऊंगी। तो वो बच्चा बोला कि बहन, मैंने 10वीं पढ़ने के बाद 3 साल तक तो हीरा उद्योग में उसने काम किया था, लक्ष्मण साहू बालक का नाम, तो 3 साल उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद 3 साल उन्होंने हीरा उद्योग में काम किया, बराबर। फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये तो सब मजूरी है, मुझे पढ़ना है, पर मुझे साइंस में ही पढ़ना है, उसका ऐसा आग्रह था। तब मैं दुराग्रह बोल रही थी, पर अब मैं भी उनके सामने नतमस्तक हूँ। तो वो बच्चे को मैंने एक कागज में लिखने को दिया, एक पैराग्राफ। मैंने बोला तू ये पैराग्राफ लिख। तो पैराग्राफ लिख रहा था, तो लिखना भी नहीं आता था उनको, कितनी भाषा की है भूल। तो मैं तो इतनी चिंता में पड़ गई कि ना ही इसको लिखना आता है, 3 बार मैथमेटिक्स में फेल हुआ है, 4थी बार पास हुआ है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे। फिर भी रख दिया उनको कि चलो, उनकी बहुत है कि मुझे यही करना है, देखते हैं, फेल होगा तो अपने आप ही वो निकल जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो बच्चे ने, जो शिक्षक ने पढ़ाया, वो इतनी ईमानदारी से पढ़ा, इतनी एकाग्रता से पढ़ा। और तब मैं जब शिक्षक थी, तो वो बच्चे में और मेरे में सिर्फ 5 साल का ही अंतर था, मैं उनसे 5 साल ही बड़ी थी। तो इतना वो बच्चा अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा कि उसको बहुत अच्छे परसेंटाइल रैंक मिले थे। मुझे पक्का अंक याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि उनकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था, और बहुत ही नीची कक्षा की जाति का वो लड़का था। फिर भी उनके माता पिता झोपड़े जैसे घर में रहते थे, फिर भी वो बच्चा आज अच्छी कंपनी में इंजीनियर है। तो ये क्या है? ये यही है कि वो बच्चे का पुरुषार्थ था, हमें तो सिर्फ निमित्त बनना था और उनके लिए थोड़ा सा चिंतन करना था कि इसको कैसे आगे बढ़ा सकते। तो बच्चे में ऐसी होती है जिजीविषा। शायद पूरे साल में सभी बच्चे अव्वल नंबर पर आए जरूरी नहीं है, पर 30 बच्चे में से अगर 5 बच्चे ऐसे हो, या तो 3 बच्चे ऐसे हो जो वास्तविक रूप में अपना व्यक्तित्व का विकास करके भारत के नागरिकत्व को शोभायमान बनाए, ऐसे बच्चों का चयन हमें खुद करना है। और ऐसे बच्चों का चयन करके उसको पकड़ लो, चाहे वो पढ़ने में भले कमजोर हो, पर ऐसे ऐसे बच्चों को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, संचालक, ऐसे बच्चों, वर्ग शिक्षक, उसके नजर ऐसी होनी चाहिए कि देखो, लोभी व्यक्ति की नजर पैसे पर होती है, बराबर। तो ऐसे हमारी नजर ऐसे बच्चों पर होनी चाहिए, हमें इसके लिए लोभी बनना है कि हमें ऐसे बच्चे मिले कि जिनको हम निखार सके। तो ऐसे बच्चों का अपनी आंखों में चयन करो, आंखों से उनका उसको चुरा लो, और उसको ऐसा गढ़ो कि जरूर वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे में वो 6 से 8 घंटे, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो पूरा 8 महीने तक हमारे साथ रहते हैं, पर अगर बाहर से आते जाते हैं, बच्चे अप डाउन करते हैं, फिर भी मिनिमम 8 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं। तो उसमें हम जो चाहे उनको इस प्रकार से हम उसे शिक्षा दे सकते हैं, उनको सही दिशा से हम मार्गदर्शित कर सकते हैं। ऐसे अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगी कि जो परिणाम लक्ष्य कार्य करना है, जो परिणाम को आगे बढ़ाना है, वो हमारी संस्था ना ही सिर्फ अन्य स्कूलों की तरह संस्था है, बल्कि हमारी संस्था एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई संस्था है। इसीलिए हमारा गोल केवल मार्कशीट में मार्क्स लाना नहीं है, पर हमारा गोल अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। इसीलिए उसी गोल के साथ मैं और आप सभी मिलके इस दिशा में प्रयास करें, ताकि गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे अच्छे से अच्छे कौशल्यवान बने, बुद्धिमान बने,
एकदम मानसिक बल वाले बने, ताकि हर एक क्षेत्र में उसे फेंक दो, वहां वो जरूर से चमक जाएगी। ऐसे बच्चों का निर्माण का हमें अवसर मिला है, इसलिए मैं सदगुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप श्री ने जो कार्य आरंभ किया है, ये जो संस्थाएं बनाई है, उस निर्माण में हमें भी निमित्त बनाए रखे और उनकी सेवा में हमें जुड़ी रखे। साथ ही साथ में केंद्रीय गुरुकुल समिति के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि हमारे गुरुकुल के जो कर्मठ सेवाधारी है उनके बीच आने का मुझे मौका दिया और मुझे उनके मिलने का एक अवसर दिया। सभी को साधुवाद है, धन्यवाद है, वंदन, प्रणाम, हरिओम।